कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी बढ़िया होंगे। थोड़ी बहुत तकलीफ़ में होंगे, वो तकलीफ़ आज मैं दूर कर देता हूँ। आप लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस में हैं कि हमको इग्नोर क्यों किया जा रहा है, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, या एक्स वाई जेड कोई भी आपको इग्नोर कर रहा है। आप परेशान हो अंदर से, आप सोच रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या इतनी कम हो गई है, इतनी डाउन हो गई है कि कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है। जी हाँ, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी वैल्यू एकदम से डाउन हो गई है, तो सच में आपकी वैल्यू यहाँ डाउन हुई है, और जिस वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है, और आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। आपको हर्ट हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, इससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यहाँ आपको समझना चाहिए। अब बात यह है कि ऐसे इग्नोर करने वाले को कैसे ठीक करें, कैसे सबक सिखाएं, क्योंकि वो इंसान जो आपको पहले काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, आपके लिए, आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करते थे, अब आप उतना इम्पोर्टेंस नहीं हो उसके लाइफ में। अब वो इंसान यह तो बहाना बना रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ अपने लाइफ में, मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूँ, एट्सेट्रा, जो भी हो, और वो आपको तरह तरह का एक्सक्यूज भी दे रहा है। यदि आपके रिलेशनशिप में सेम प्रॉब्लम है, हो सकता है एक्सक्यूज ना भी दे रहा हो। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो आपको एक्सक्यूज देना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, सीधे सीधे ईगो दिखाते हैं कि मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करना है। एक घमंड दिखाया जाता है आपको, और उस समय आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील करते हो, क्योंकि वो इंसान पहले वैसा नहीं था, लेकिन अब वैसा हो गया है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, आप इसलिए इग्नोर हो रहे हो क्योंकि आप उसके पीछे बार बार जा रहे हो, आप बार बार मैसेज कर रहे हो, आप बार बार एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे हो, और जिस वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है। आप इग्नोर तब नहीं होगे जब अपने साइड से आप एफर्ट लगाना बंद कर दोगे, जब अपने साइड से कॉल या मैसेज करना बंद कर दोगे, जब आप ये सारी चीज़ें बंद कर दोगे, तो कोई आपको इग्नोर कैसे कर सकता है? उसमें उसकी औकात ही नहीं होगी आपको इग्नोर करने की। तो पहले आदत डलवाइए आप इग्नोर ना होने की, और जिस दिन आप ये आदत डलवा लेते हैं इग्नोर ना होने की, उस समय आपकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। तो आप पहले सामने वाले को इग्नोर करने का मौका नहीं दीजिए, और जिस दिन आप मौका देना बंद कर देंगे, साले की औकात नहीं होगी कि वो आपको नेक्स्ट टाइम से आपका कॉल या मैसेज इग्नोर करे। तो यहाँ आपको खुद में वो कंट्रोल होना चाहिए। यदि आपके अंदर ही कंट्रोल नहीं होगा, तो आपकी इम्पोर्टेंस और धीरे धीरे कम होती जाएगी, और सामने वाला आपका लेके जाएगा, बजाएगा जबरदस्त। आप सोच रहे हो कि नहीं, एक दिन दो दिन के बाद जाते हैं, उसके बाद हम कॉल या मैसेज करते हैं, एक दो दिन से कुछ नहीं होने वाला। मतलब खुद की इम्पोर्टेंस इतनी बनाओ, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बना लो खुद की, कि सामने वाला खुद से मैसेज करेगा। ठीक है, सामने वाले को खुद से मैसेज करने का मौका दो, उसको एफर्ट डालने का मौका दो, अपने साइड से निल कर दो, एकदम जीरो कर दो एफर्ट अपने साइड से। यदि आप अपने साइड से एफर्ट लगाते हो, तो सामने वाला का वैल्यू फिर से ऐसे हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लोग बोलते हैं कि हम अपना वैल्यू बढ़ाए हैं, थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन कर लिए हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने से वैल्यू नहीं बढ़ जाती है। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ना, आप खुद में काम करना शुरू कर दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना शुरू कर दो, और जो भी चीज़ें हैं जिससे आपको लगे कि मेरे अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सकता है ये चीज़ करने से, उन सारे एरियाज पे आप फोकस करो। जिस दिन आप अपने लाइफ पे खुद से प्यार करने लगोगे, खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दोगे, और एक दिन इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी खुद के अंदर कि आपको लगने लगेगा कि अब मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ना कि मुझे उस इंसान से बात करने का मन नहीं करता है, उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, वो मुझसे ऐसे कर रहा था, समझ लो वहाँ आपकी वैल्यू बढ़ गई है। जिस दिन आपकी वैल्यू खुद में बढ़ा लोगे ना, उस दिन आपको खुद उस इंसान से बात करने का मन नहीं करने लगेगा, और साला वो ना वो उस दिन आपके पास आएगा, उस दिन वो आपके पास आएगा आगे से अपने साइड से बात करने के लिए, खुद से मैसेज करेगा, खुद से कॉल करेगा। ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आपके अंदर वो कंट्रोल होगी, आपके अंदर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली कैपेसिटी बिल्ड होगी। तो यहाँ पे खुद के अंदर काम करना भी शुरू कर दीजिए।
ठीक है, दिन मत गिनिए कि हम 4 दिन 5 दिन साइलेंट रहें। साइलेंट रहने से सिचुएशन सिर्फ शांत हो जाता है, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए, आपकी वैल्यू पक्का बढ़ेगी। और लड़कियां, खास करके लड़कियां, उस लड़कों के पीछे कभी भी मत भागिए, वैसे लड़कों के पीछे जो बहाने बना रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं। देखिए, यहाँ दो तरह के लड़के हो सकते हैं। पहला, जो अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, या तो कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ भी, वो आपको बता देगा कि मैं इस चीज़ में बिजी हूँ। और जो लड़के इस चीज़ में बिजी नहीं है, साले बहाना बना रहे हैं ना, मैं सच बता देता हूँ, उस साले कहीं और मुंह मार रहे हैं। क्योंकि लड़के होते ही ऐसे चूतिए हैं जो आपको तरह तरह का एक्सक्यूज देंगे और वो कहीं और लगे रहते हैं। कुछ लड़के, मैं सारे लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लड़के इस तरह के होते हैं ना, बहाने बना रहे हैं, टाइम नहीं है, जो भी हो, तो ये जान लेना वो कहीं ना कहीं और टाइम दे रहा है। और जो लड़के अच्छे होते हैं, जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि मैं इस चीज़ में बिजी हूँ, तो उनको थोड़ा टाइम दे दीजिए, वो भी आपके लिए वक्त ज़रूर निकालेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।